हेलो बच्चों, पाठ दो द्वितीय अध्याय। पाठ का नाम है द्वितीय अध्याय। दूसरा पाठ पढ़ेंगे अपन। स्वर्ण काकर, पाठ का नाम क्या है? स्वर्ण काकर। पाठ का नाम स्वर्ण काकर। ठीक है बच्चों, स्वर्ण काकर। ठीक, मैं स्टार्ट करता हूं। स्वर्ण काकर, पाठ का नाम है बच्चों स्वर्ण काकर। ठीक है, देखो ध्यान से। प्रस्तुत अयम पाठ श्री पद्म शास्त्री प्रस्तुत अयम पाठ श्री पद्म शास्त्री विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रह गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत ये पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतक इस कथा संग्रह से गृहीत है। प्रस्तुत ये पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतक इस कथा संग्रह से गृहीत है। अत्र विविध राष्ट्र त्रेषु व्याप्ता नाम सतलोक कथा नाम वर्णनम विद्यते। यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त, यहाँ अत्र क्या होता है बच्चों? यहाँ विविध मन विविध प्रकार के राष्ट्र सुमन राष्ट्रों में विविध राष्ट्रों की व्याप्तम शतम लोक कथाओं नाम विविध राष्ट्रों की में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। 100 लोक कथाओं का वर्णन है। कथा संग्रहात, दोबारा सुनो, ये पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतक इस प्रकार के कथा संग्रह से लिया गया है। यहाँ यानी कि इसमें विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 कथाओं 100 लोक कथाओं का वर्णन है। जो विविध अनेक देशों में कथाएं व्याप्त है, प्रचलित है, उन कथाओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है बच्चों। ठीक है, ऐसा कथा वर्म म्यांमार देश से श्रेष्ठा लोकता अस्ति। ये कथा वर्म यानी कि म्यांमार देश का नाम है ना बच्चों। ये कथा वर्म अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। ये कथा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। स्वर्ण पक्ष काकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। लोक कथा है। अस्य कथाया लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यनम वर्णनो अस्ति।
इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम, इस कथा में लोभ करने का क्या परिणाम होता है, यानी कि बुरा परिणाम होता है, लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम, लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम। स्वर्ण पक्ष काक माध्यम सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। स्वर्ण पक्ष सोने के पंख, स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। ठीक है बच्चों, अब कथा स्टार्ट होती है, शुरू होती है कहानी। कहानी है बहुत अच्छी कहानी, तुमने पढ़ी भी होगी सुनी भी होगी। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। पूरा कस्मचित ग्रामे पहले किसी गांव में, पूरा कस्मचित ग्रामे पहले किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पहले किसी गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। पहले किसी गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। पूरा कस्मचित ग्राम में एका निर्धना वृद्धा स्त्री नेवसत, नेवसत, नेवसत का मतलब होता है बच्चों रहना। पहले किसी गांव में एक निर्धन गरीब बुढ़िया वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसी। और उसके एक दोहिती विनम्र और मनोहर थी, और उसके एक विनम्र और मनोहर दोहिती थी, यानी कि बेटी। और उसके एक विनम्र और मनोहर, विनम्र का मतलब नम्र, नम्र स्वभाव वाली, और मनोहर यानी कि मन को हरने वाली। ठीक बच्चों, एकदा माता स्थाल्याम तंडुलाम पुत्री आदिशत। एक बार माने, एक बार माने एक बार माने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। एक बार माने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। एक बार माने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया, निक्षिप मने रखकर फेंक कर। सूर्य तपे तंडुलान खगे बेरक्ष। सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, ये आदेश किसने दिया? उस बुढ़िया ने अपनी बच्ची से कहा कि हे बेटी, ये जो चावल मैंने धूप में सिकोए हैं, सूखने के लिए रखे हैं, उन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, उनको पक्षी न खा जाए, है ना। तो बच्ची से क्या कहा? सूर्य तपे तंडुलान खगे ब्योरक्ष। चावलों की, सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात अनंतम तरम एको विचित्र काक समुद्रीय तस्या समीप अगच्छत। कुछ समय बाद, किंचित कालांतरम कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा, कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा समुद्रीय तस्या समीपम आगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ गया। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आ गया। ठीक है बच्चों,
कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आ गया। ये देखो दिख रहा है ना फोटो में, माँ ने बच्चे से कहा, जब माँ ने चावल सुखोए धूप में तो बच्ची से माँ ने कहा कि हे बेटी तुम चावलों की रक्षा करो पक्षियों से, ये रक्षा कर रही, ऐसे दिख रहा है ना तुमने फोटो में। अब कुछ समय बाद वहां क्या होता है, वो जब चावलों की रखवाली कर रही थी तो एक विचित्र कौवा वहां पर आता है और वो जो चावल थे उनको खाने लगता है, मतलब उस खटिया पे जहां पर चावल सूख रहे थे उस पर बैठ जाता है, दिख रहा है तुम्हें ऐसे। आगे देखो, नेता दृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काक तया पूर्व दृष्ट, ऐसा सोने के पंखों और चांदी की चोंच। स्वर्ण पक्षों का मतलब स्वर्ण पंख, रजत चंचु मने चांदी की चोंच, स्वर्ण काक सोने का कौवा तया उसके द्वारा पूर्व अदृष्ट पहले नहीं देखा गया। उसके द्वारा ऐसा सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पहले नहीं देखा, या उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। ऐसा कौवा जिसके चांदी की चोंच थी, सोने के पंख थे, ऐसा उस बालिका के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। यानी कि चांदी की चोंच और सोने के पंखों वाला कौवा उसके द्वारा कभी नहीं देखा गया है ना। तम तंडुलान खादन असंतस्य विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्ध, तम तंडुलान खादंत उसे चावलों को खाते हुए देखकर, उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर, उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर, तम तंडुलान खादंत असंतश्च विलोक्य बालिका रोदितु आरब्धा, उसे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ किया कर दिया, अर्थात बालिका रोने लग गई। क्यों रोने लग गई? क्योंकि वो कौवा उसके चावलों को खाने लगा था, तो उनको खाता हुआ और खा रहा था और हंस भी रहा था, उसको ऐसा करते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया, अर्थात बालिका रोने लग गई। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, उसको रोकते हुए उसने निवेदन किया, तंडुलान माँ बक्से चावलों को मत खाओ, तंडुलान माँ बक्से चावलों को मत खाओ, मदिया माता अतिवा निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक गरीब है, चावलों को मत खाओ, मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ सुच चिंता मत करो, माँ सुच चिंता मत करो, सूर्याद प्राग ग्रामाद बही पीपल वृक्ष मनु तोया आगंतव्ये, सूर्य उगने से पहले कव्वे ने क्या कहा, कव्वे ने कहा चिंता मत करो, सूर्योदयाद प्राग सूर्य उगने से पहले ग्रामाद बही गांव के बाहर पीपल वृक्षम तमु आया, अगर तो पीपल वृक्ष के नीचे तुम्हें आना चाहिए, अर्थात सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल पेड़ के नीचे तुम आ जाना,
पीपल के पेड़ के लिए तुम नीचे तुम आ जाना। अहम तुब्बे तंडुल मूल्य दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों के मूल्य दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्राम अपि न लेबे, प्रसन्न बालिका ने नींद भी नहीं ली, मतलब सोई भी नहीं। प्रहर्षित बालिका यानी खुशी बालिका, प्रसन्न बालिका सोई भी नहीं यानी कि नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात् पूर्व में उषा तत्र उपस्थिता, सूर्य उगने से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई, सूर्य उगने से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्ष से ऊपरी विलोक के साच आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, क्योंकि वहाँ सोने से युक्त महल है, क्योंकि वहाँ सोने का महल है, सोने से युक्त महल है। सहित्वा यदा काका सहित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम अहो बाले, जब कौवे ने सोकर, जब कौवे ने सहित्वा मने सोकर, प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम, जब कौवे ने जब कौवा सोकर जागा, यदा काका सहित्वा प्रबुद्ध जब कौवा सोकर जागा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम अहो वाले, तब उसने सोने की खिड़की में से झांक कर कहा, तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, स्वर्ण गवाक्ष सोने की खिड़की, तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, अहो वाले अहो बालिका तुम आगता तुम आ गई, अरे बालिका तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, तो कहो सोने से बनी, चांदी से बनी या तांबे से बनी, तो कहो सोने से बनी अर्थात सोने की, चांदी की या तांबे की। तब लड़की बोली, कन्या अवदत, तब लड़की बोली, कन्या अवदत, तब लड़की बोली, अहम निर्धन मातु दुरिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊँगी, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आरोत, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची, है ना। चिरकालंभव ने चित्र विचित्र वस्तु ने संजिता दृष्ट्वा, चिरकालंभव ने बहुत देर तक भवन में, चिरकालम का मतलब बहुत देर तक, चिरकालंभव ने बहुत देर तक महल में चित्र विचित्र वस्तुओं से सज्जित देखकर, लंबे समय तक महल में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर सा विस्मय गता वह आश्चर्यचकित हो गई, सा विस्मय गता
वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता ताम विलोक्य काका वदत, उसे थकी हुई देखकर, श्रांता मने थकी हुई, उसे थकी हुई देखकर, उसे थकी हुई देखकर कौवा बोला, पूर्व लघु प्रातः रास कियताम, पहले सुबह का नाश्ता करो, पहले सुबह का नाश्ता कर लो, पहले लघु प्रातः रास सुबह का नाश्ता, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णथाल्यां भोजन करिष्यसि, किं वा रजस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। बोलो तो सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में भोजन करोगी? बोलो तो सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी अथवा तांबे की थाली में भोजन करोगी? बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम अहम निर्धन भोजन करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदस्य आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण थाल्या भोजन परिवेशितम्, तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा, जब वो आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने के पंख वाले कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन परोसा। न एतादृशं स्वाद भोजनम अद्यावधि बालिका खादितम, ऐसा स्वाद, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने आज तक नहीं खाया था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला बालिके, कौवा बोला बालिके, हम इच्छामि यत तुम सर्वदा अत्य उत्तिष्ट पर तव माता तू एकाकिनी वर्तते, कौवा बोला मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो पर तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः तव शीघ्र में उसो गच्छ गच्छ ग्रम गच्छ, अतः तुम्हें शीघ्र ही अपने घर जाना, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। कौवा बोला ए बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो पर तुम्हारी माता अकेली है, अतः तुम शीघ्र घर जाओ। इति उक्त्वा काक तक्षा बे अंतरात तिष्ठ मंजूषा निसारे ता प्रतिवदत, ऐसा कहकर कौव्या, ऐसा कहकर काव्य ने कक्षा बे अंतरात कमरे के अंदर से, ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से कक्षा पे अंतरात कमरे के अंदर से तिष्ठ मंजूरात मंजूषा निसारे ताम प्रतिवद, ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से तीन पेटियां निकालकर उसे दी और बोला, ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से तीन पेटियां निकालकर उससे कहा, पेटियां निकालकर उससे कहा, बालिका यथेचम ग्रहणाम मंजुषे काम, बालिका अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो, बालिका इच्छा अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार एक संदूक ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रहर बालिका कथितम यत एव मध्यतम तंडुला मूल्यम, सबसे छोटी संदूक लेकर लड़की ने कहा,
लघुतमा मंजूषा प्रग्रहे, सबसे छोटी संदूक लेकर बालिका ने कहा, यत एव मड़िये तंडुक मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृह आगते तया मंजूषाम समुदात उद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा पेटी खोली गई, घर आकर उसने संदूक खोली, पेटी खोली, तस्या महादारणी काणी विलोकेशा प्रस्थिता तद उद्दानिका च संजाता। उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह प्रसन्न हो गई, उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर सा प्रस्थिता तद उद्दानिका च संजाता, उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह प्रसन्न हो गई, वह प्रसन्न हो गई। तस्मिन ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक दूसरी बुढ़िया रहती थी, उसी गांव में एक दूसरी बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसी, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से वह उस सोने के कौवे का रहस्य जान गई, ईर्ष्या से वह उस सोने के कौवे का रहस्य जान गई। अब ये भी वह कौवे करेगी जैसा उसने किया ना, ऐसे ही करेगी। ईर्ष्या से वह उस कौवे का रहस्य जान गई। सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्पे तयापि सो सुता रक्षार्थ नियुक्ता, सूर्य के ताप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए लगाया गया। सूर्य के तप में चावलों को रखकर निक्षिप पे मन रखकर तयापि उसके द्वारा भी सोसुता अपनी बेटी को रक्षार्थ रक्षा के लिए नियुक्ता लगाया गया। तथेव सोन पक्ष काकर तंडुल बक्षन तमपि तथेवा करियत, तथेव स्वर्ण पक्ष वैसे ही सोने का सोने के पंख वाला कौवा तंडुलान बक्षन तामपि तत्री तत्रे अवारत, वैसे ही सोने के पंख वाला कौवा उसी तरह सोने के पंख वाला कौवा ने चावलों को खाते हुए काका तंडुलान बक्षेन चावलों को खाते हुए तामपि तत्रे आकारयत, उसे भी उसी तरह बुलाया, उसे भी वहीं बुलाया, उसे भी वहीं बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काक निर्भयसंती प्रवाच भो नीच काक, प्रातः वहाँ जाकर वह कौवे से निंदा करती हुई बोली, प्रातः सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा निर्भयसंती मतलब निंदा करना, निंदा करती हुई बोली, प्रावचन मैंने बोली, निंदा करती हुई बोली, भो नीच काक अरे नीच कौवे, भो नीच काक अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मयम तंडुल मूल्यम प्रेच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रवीत कौवा बोला, अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय, वैसा ही का जो उस बालिका से कहा था, तो कहो सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने कहा, घमंडी बालिका ने कहा, घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्ण मयेन सो पाने मांग आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से मैं आऊंगी,
मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण का तत्कृते ताम्रमय सोपानी प्रायचत, लेकिन स्वर्ण कव्य ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दी, लेकिन स्वर्ण कव्य ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्ण काक ताम भोजन पी ताम्र भाज ने एवं अकार्य, सोने के कव्य ने उसे भोजन भी तांबे के पात्र में ही कराया, तांबे के पात्र में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काके कक्षा बे अंतरात त्रिस्त मंजूषा तत्पुरुष समुक्षिता। प्रतिनिवृत्ति काले प्रतिनिवृत्ति काले घर लौटने के समय स्वर्ण काकेन कक्षा में अंतरा घर लौटने के समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से तीन पेटी उसके सामने रखी, कमरे के अंदर से तीन पेटी लाकर उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सव्रतमा मंजूषाद गृहीतवती घमंडी उस बालिका ने बड़ी पेटी ले ली, घमंडी उस बालिका ने बड़ी पेटी ग्रहण की। गर्म आगत्य सा त्रसिता यावद मंजूषा मुद्गाटयती, घर आकर उसने प्रसन्न होते हुए, त्रसिता का मतलब प्रसन्न होते हुए, घर आकर उसने प्रसन्न होते हुए जब पेटी खोली तावत तस्या भीषण प्रश्न स्वल्प अवलोकित, तब उसने भीषण कृष्ण सर्प को देखा, काले सांप को देखा। जब पेटी खोली तावत तस्या भीषण कृष्ण सर्प विलोकित, तब वैसे उसमें भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धया बालिका लोभ से फल प्राप्तम, लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया, लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतर सा लोभ परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया, उसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। अब इसके शब्दार्थ है ये भी मैं तुम्हें भेजूंगा वीडियो में, और तुम इन मैंने भी बताए और ये तुम्हारे पास भी आएंगे, तुम इनको याद करना, लिखना तुम्हारी नोटबुक में और याद करना। प्रश्न उत्तर देखो बच्चों। माता काम आदिशत माने क्या आदेश दिया, माने क्या आदेश दिया, माता काम आदिशत माने किसको आदेश दिया था, पुत्री को, तो क्या जाएगा बच्चों, पुत्रीम। स्वर्ण काका कान आखा दत्त सोने के कव्वे ने क्या खाया, तंदुलान चावलों को, क्या खाया था, चावलों को। सोने के कव्वे ने क्या खाया बच्चों, चावलों को खाया है ना, क्या खाया सोने के कव्वे ने, चावलों को खाया। प्रसाद की दस वर्तते महल कैसा था, स्वर्णमय सोने का, मल कैसा था बच्चों, सोने का था। प्रसाद की जस वर्तते स्वर्णमय, गर्म आगते तया का सा उद्गूटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या खोली गई, मंजूषा, क्या खोली उसने घर आकर, पेटी यानी कि मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नहीं थी, लोभी बालिका ने कैसी पेटी ली, बड़ी गुरताम, कौन सी बेटी ली, उग्रताम लोभी बालिका ने, और इस बालिका ने कौन सी ली थी, सबसे छोटी। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, निर्धनाया वृद्धाया दुविता कीदृश आसीत, निर्धनाया वृद्धाया दुविता कैसी थी, विनम्र मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर। बालिकया पूर्व कीदृश काकर दृष्ट अस्ति, बालिकया पूर्व स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काक न दृष्ट आसी,
कौन सा? सोने के पंख, चांदी की चोंच वाला कौवा पहले नहीं देखा था। स्वर्ण पक्ष, स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकर न दृष्ट आसीत। निर्धनाया दुहिता मंजूषाम कानी अपश्यत, निर्धनाया दुहिता मंजूषाया कानी अपश्यत। निर्धनाया दुहिता मंजूषाया महारीर कानी अपश्यत। हीरे जवाहरात देखे थे ना, वो महारीर महारानी हीर कानी अपश्यत। बालिका किम दृष्टि आश्चर्य चकिता जाता, क्या देखकर आश्चर्य चकित हो गई थी? स्वर्णमय प्रसाद दृष्टवा वृक्ष से ऊपर, स्वर्णमय प्रसाद दृष्टवा आश्चर्य चकित जाता, वृक्ष के ऊपर सोने के महल को देखकर वो बालिका क्या हो गई? आश्चर्य चकित हो गई। गर्भिता बालिका कीदृश सोपानम अयाचत कीदृश च प्राप्नतो, वो घमंडी बालिका ने क्या मांगा? सोने की सीढ़ी। और कव्य ने क्या भेजी? तांबे की, है ना। गर्भिता बालिका स्वर्ण सोपायन याचत ताम्रमय च प्राप्नोत, और तांबे की सीढ़ी प्राप्त करी।